अरे कोई है? लानत है, न पेट में दाना है, न लोटे में पानी है, न बंडल में बीड़ी है, न माचिस में तीली है। अरे ये कौन घुसे मार मार के दरवाजा तोड़ रहा भाई है? अरे वो दरवाजा मजबूत नहीं है, शमशान की जली हुई लकड़ी का है। बेटा प्रसाद, ए बेटा प्रसाद, क्या है बाबू? बेटा वो दरवाजा खोल ना। तुम ही खोल दो ना। अरे मैंने बीड़ी नहीं पिया, मैं कैसे खोल सकता हूँ? मेरे चक्कर आ रही है। मैंने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया, इतना कमजोर हो गया कि मेरी परछाई को भी चक्कर आ रही है। साला मेरे डायलॉग मेरे को सुना रहा है? बेटा बाप पर ही जाएगा ना। बेटा बाप पे जाएगा तो बाप किधर जाएगा? दरवाजा खोलने। बहन जी, रामन जी हैं? अबे बहन जी होगा तेरा बाप, ये बहन जी नहीं है, भाई जी है। आपकी चिट्ठी। रामन जी, क्या बे? आज त्योहार के दिन कुछ बख्शीश हो जाए जी। बख्शीश? हाँ अभी वसूल करता हूँ। तुम भी यार थूक में भजिया तलने चले आए हो, मेरी हालत देखो, मुझसे बख्शीश मांगना देखो। मुझे तकदीर ही नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें बख्शीश कहाँ से दूँ? मेरी गरीबी का तो यह हाल है कि अगर मैं किसी फकीर की अर्थी को कंधा देता हूँ तो वो उसको अपनी इंसल्ट समझता है और अर्थी में से कूद के भाग जाता है। रोटी खाए हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शक्ल तक याद नहीं रही, चावल कैसा होता है, चाय किस काम में आती है, सब भूल गया हूँ। मेरा छोटा बेटा हफ्तों से भूखा निढाल अंदर पड़ा हुआ है, हमें तो लगता है भगवान ने खाली पैदा कर दिया है, तकदीर लिखने ही भूल गया। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। दुख? अरे भाई दुख जब हमारी कहानी सुनता तो खुद दुख को दुख होता, तुम तो फिर भी इंसान हो। मगर हम खुददार लोग हैं, गम खाकर अपना पेट भरते हैं, आंसू से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ मदद हो जाती तो, वरना मेरा बेटा आखिरी सांस ले रहा है, चला जाएगा, अर्थी को कांधा तुम्ही को देना पड़ जाएगा। नहीं नहीं रामन भाई, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। चलेगा, सरकारी है मनी ऑर्डर के। तो क्या हुआ? दूसरी जेब देखता हूँ। जल्दी दिखाओ, मेरा बच्चा मर रहा है। एक अठन्नी थी कहीं पर। अठन्नी? गरीबी का इंसल्ट करते हो? अरे अठन्नी अगर चंदे के डब्बे में डालो तो उड़ के बाहर चली जाती है, और ज्यादा निकालो। 40 जेब में सुराख हो गया, लगता है वो अठन्नी भी कहीं गिर गई। गिर गई? लानत है, मेरे लिए जहां से कुछ आने वाला होता है वहां सुराख हो जाता है। माफ करना भाई, चलता हूँ। सुनो, अपने घर से कुछ खाना ला के दे देते तो। मेरी बीवी मायके गई हुई है। बीवी नहीं मांग रहा हूँ मैं, खाना मांग रहा हूँ। भाई खाना तो वही पकाती है ना। चे, 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 मैं तो खुद होटल पे खा रहा हूँ। तो होटल में लो चलो। होटल वाले का उधार बहुत हो चुका है, शायद आज वो मुझे भी खाना ना दे। क्या मुसीबत है यार। अच्छा सुनो, जा कहाँ रहे हो? एक बीड़ी तो दो कम से कम। एक ही है। चलेगी? अरे माचिस तो वापस छोड़ो। घर में बीवी नहीं है, जेब में बीड़ी नहीं है, माचिस का क्या करोगे? जाओ ऐश करो, भगवान भला करेगा जिसका कोई चांस नहीं है। बहुत पौड़ा नहीं, मुझसे बख्शीश मांगने आया था, मैंने आज तक किसी को बख्शा दिया उसको बख्शीश दूंगा? अरे हाँ बेटा प्रसाद, ये देख मेरे नाम पे चिट्ठी किसकी आ सकती है? अरे इसमें तो राखी है। राखी? अरे हाँ मेरी एक प्यारी बहन है, दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर मुझे राखी भेजना नहीं भूलती, इसके बदले में पैसे भेज देती तो कितना अच्छा होता था। वो छोड़ चिट्ठी फेंक, ये ले, एक काम कर, इसको बाजार में लेके जा, उसको बेचने का कुछ चक्कर चला। आहिस्ता बापू आहिस्ता आहिस्ता, मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और तुम पूरा हड़प कर रहे हो। नजर मत लगा यार, जब से पैदा हूँ जिंदगी में पहली मरतबा जितना पेट भर के खाना खाया है। अरे वाह रे बहन वाह, भगवान तेरे को खुश रखे, क्या राखी भेजी थी, खा के पेट भर गया। ए तू ये क्या खा रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। चॉकलेट मेरी जेब से मारा है क्या? है तुम्हारी जेब से? तुम्हारी जेब में कपड़ा नहीं, चॉकलेट कहाँ से आ जाएगी? तो फिर ये कहाँ से आया? वो तो दुकान वाला जब सामान बांध रहा था तब मैंने उड़ा दिया। अरे जियो मेरे लाल, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। चल इसी बात पे आज मैं तेरे को पॉकेट मारने के तरीके सिखाता हूँ। पॉकेट मारना जो है वो बहुत ध्यान का काम है, अपना ध्यान लगा के रखना और दूसरे का ध्यान हटा के रखना।
हा? तो ये समझ, ये नोटों से भरा हुआ पॉकेट है, ये मैं जेब में रखता हूँ, तू आके मेरे से टकराना और मस्के की तरह उड़ा लेना, ठीक है? ये मैंने जेब में रखा, चला जा। अबे घनचक्कर करे, इधर वापिस आ, इधर आ, मार खा गया ना, ये क्या पॉकेट तो मेरी जेब में रह गया। बापू तुम्हारा ध्यान पॉकेट पर था, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ की घड़ी मार ली।